हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में, इससे पहले की क्लास में हम लोग क्लास 8 की सेकंड बुक इट्स सो हैपेंड का लेसन नंबर 7 द ओपन विंडो के फर्स्ट पार्ट को कर चुके हैं कंप्लीट। और आइए आज हम लोग रीडिंग करते हैं द ओपन विंडो के सेकंड एंड लास्ट पार्ट में। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था वेरा नाम की एक जो नॉटी गर्ल थी उसे स्टोरी क्रिएशन का बहुत शौक था और बहुत जल्दी से कोई भी स्टोरी को क्रिएट कर लिया करती थी। आखिर जो स्टोरी मिस्टर नटेल को वेरा नाम की लड़की ने सुनाई थी वो सही थी या गलत थी, आज हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो बच्चों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि मिस्टर नटेल, जिन्हें की वेंस प्रॉब्लम है, नर्व्स प्रॉब्लम है और अपने स्ट्रेस और डिस्ट्रेस को कम करने के लिए विलेज में आते हैं और मिसेस सेप्लेटॉन से मिलते हैं। तो सेकंड पार्ट शुरू होता है जब मिसेस सेप्लेटॉन और मिस्टर नटेल का कन्वर्सेशन आपस में हो रहा होता है और मिसेस सेप्लेटॉन ये बताती हैं कि उनके हस्बैंड, उनके दो भाई और डॉग सभी लोग शिकार पे गए हैं और हो सकता है किसी भी समय वो सभी लोग वापस आ जाएं। तभी ट्विलाइट का समय था, यानी कि गोधूली का टाइम था, शाम का टाइम था, हल्का सा अंधेरा भी हो रहा था और सभी लोग जो कि हंटिंग यानी कि शिकार पे गए हुए थे, जो मिसेस सेप्लेटॉन थी वो देखती हैं कि सभी लोग वापस आ रहे हैं और मिसेस सेप्लेटॉन बहुत खुश हो जाती हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं। लेकिन जो मिस्टर नटेल थे उनके लिए ये बहुत ही शॉकिंग था क्योंकि वेरा नाम की लड़की ने ये स्टोरी बताई थी कि मिस्टर सेप्लेटॉन, उनके दो भाई और डॉग हंटिंग के लिए गए थे और आज तक वापस नहीं आए। तो मिस्टर नटेल ये सोचते हैं कि ज़रूर हो ना हो ये इन सभी का घोस्ट यानी कि भूत है जो कि वापस आ रहे हैं। तो मिस्टर नटेल इतना डर जाते हैं, इतना हैरास हो जाते हैं कि वहाँ से एकदम से अपना हैट और स्टिक लेकर उनके कमरे से भाग जाते हैं। और वो भागते हुए ऐसा एक समय भी आता है कि एक साइकिल वाला वहाँ से निकल रहा था कि साइकिल वाले से टकराते बचते हैं, वो इतना डर जाते हैं। और डॉक्टर ने उन्हें भी कहा भी था कि जरा सा भी एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी डरावना माहौल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्या, ये तो एक डरावना, एक हॉरर सीन क्रिएट हो गया था और मिस्टर नटेल बहुत डर गए थे। उन्होंने सोचा था कि मिस्टर सेप्लेटॉन, उनके दो भाई और जो डॉग शिकार पे गए थे और वेरा नाम की जो नीस थी उसने ये बताया था कि वो लोग दलदल में फंस गए और आज तक उनकी बॉडी रिकवर नहीं हुई। तो मिस्टर नटेल यही सोचते हैं कि उन सब के भूत आ गए हैं और वो जल्दी से डर के वहाँ से अपनी स्टिक और हैट को लेके वहाँ से भाग जाते हैं। तो मिस्टर सेप्लेटॉन जैसे ही कमरे में, रूम में एंट्री करते हैं, वो देखते हैं कि कोई सज्जन, कोई जेंटलमैन उनके रूम से भाग रहा है। तो मिसेस सेप्लेटॉन से पूछते हैं ये कौन व्यक्ति था जो मुझे देखते ही यहाँ से भाग गया। तो मिसेस सेप्लेटॉन ये कहती हैं ये तो बड़ा अजीबोगरीब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन था जो सिर्फ अपनी बीमारी और अपने बारे में ही बात कर रहा था, उसे और किसी से कुछ भी मतलब नहीं था, वो बहुत ही बोरिंग पर्सन था। तो जो वेरा नाम की लड़की थी वो फिर से एक बात बताती है, स्टोरी क्रिएट करती है कि वो स्टोरी ये क्रिएट करती है कि जब नीस यानी कि वेरा और मिस्टर नटेल रूम में अकेले बैठे हुए थे उस समय मिस्टर नटेल ने वेरा को ये बताया था कि उन्हें डॉग से बहुत डर लगता है और आप सभी लोग अपने डॉग के साथ में आ रहे थे और उस डॉग को देख के ही वो यहाँ से भाग गए। उन्होंने बताया था कि एक बार बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स उनके पीछे पड़ गए थे और सारी रात उन्हें ग्रेवयार्ड में, एक कब्रिस्तान में उन डॉग से बचने के लिए बितानी पड़ी थी, इसीलिए ये इट कुड बी पॉसिबल कि हमारे डॉग को देख कर मिस्टर नटेल वहाँ से भाग गए हों। तो सभी लोग हंसने लगते हैं, एंजॉय करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये तो थी स्टोरी द ओपन विंडो और यहाँ पर ये बात भी क्लियर हो जाती है कि इस स्टोरी का नाम ओपन विंडो क्यों रखा गया। बच्चों, इस स्टोरी में वेरा नाम की लड़की का जो रोल है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसने क्या करा, टू टाइम्स न्यू स्टोरीज को क्रिएट करा। फर्स्ट टाइम जब मिस्टर नटेल आते हैं मिसेस सेप्लेटॉन के घर पे तो वो झूठ बोलती है बस फन के लिए कि जो मिस्टर सेप्लेटॉन है अपने दो भाई और डॉग के साथ में हंटिंग के लिए गए थे और आज तक वापस नहीं आए, दलदल में फंसकर वो उन सभी लोगों की डेथ हो जाती है। लेकिन मिसेस सेप्लेटॉन को ये लगता है कि किसी ना किसी दिन मिस्टर सेप्लेटॉन और उनकी पूरी फैमिली इसी विंडो से, जो विंडो खुली हुई है इसी विंडो से सब लोग वापस आ जाएंगे। तो एक हॉरर सीन यहाँ पर वेरा नाम की लड़की क्रिएट कर देती है मिस्टर नटेल के सामने। और दूसरी बार जब मिस्टर नटेल, सभी लोग वापस आ जाते हैं, मिस्टर नटेल देखते हैं कि ये तो लगता है कि घोस्ट है
और सभी लोग वापस कैसे आ सकते हैं, क्या कोई मरा हुआ व्यक्ति भी वापस आ जाता है, तो वो ये सोचते हैं कि इन सभी लोगों के जो भूत हैं वो वापस आ रहे हैं। तो मिस्टर नटल के सामने दोबारा एक हॉरर सीन क्रिएट हो जाता है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जब मिस्टर सेपलटॉन ये पूछते हैं कि आखिर मिस्टर नटल यहाँ से क्यों भागे, तो वीरा फिर से एक फन क्रिएट करने के लिए एक न्यू स्टोरी क्रिएट कर देती है। वो कहती है कि मिस्टर नटल को डॉग से बहुत डर लगता है और एक बार उनके पीछे कई सारे स्ट्रीट डॉग पीछे पड़ गए थे और उनसे बचने के लिए एक पूरी रात उन्हें ग्रेवयार्ड में बितानी पड़ी थी। तो टू टाइम्स वो स्टोरी क्रिएट करती है और टू टाइम्स फन भी क्रिएट होता है। तो बच्चों ये तो हुई स्टोरी जिसे राइट करा था HH विनोद ने। और आपको ये स्टोरी, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कॉमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर, हमारे वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में छोटे से बेल आइकन को दबाना, प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। उससे फायदा ये होगा कि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होता है YouTube पर, सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा किसके पास? जी हाँ बच्चों, आपके पास में। तो बच्चों आप हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा हमारा चैनल, हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ में, नए लेसन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।